हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज मस्ट पर। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, कोरोना वायरस डिजीज यानी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर। हम ही सब लोगों को कंफ्यूजन है कि फेस मास्क कौन सा लगाना है, किसे लगाना है। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको फॉलो करनी है तो ऑथेंटिक सोर्स की करनी है, जैसे कोई प्रॉपर डॉक्टर ने बताया है तभी वो फॉलो करनी है, या फिर WHO या ICMR की वेबसाइट से करनी है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि किन लोगों को मास्क लगाना है, कब लगाना है और कौन सा मास्क लगाना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मास्क अवेलेबल है। सबसे पहले जानते हैं कि किस किस को मास्क लगाने की जरूरत है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाने की जरूरत है। हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो डायरेक्ट पेशेंट की केयर में आते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज और अदर वहां पे हेल्पिंग स्टाफ होता है, GDs होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, जो पेशेंट के पास तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो खुद पेशेंट है और उसे अगर सांस नहीं फूल रही, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है तो उसे भी मास्क लगाना है, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। साथ में जिसे कुछ भी रेस्पिरेटरी इलनेस आ रही है, जैसे खांसी है, जुकाम है या फिर खराश है, तो उन्हें भी मास्क लगाना है, चाहे कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, चाहे हमने टेस्ट कराया है या नहीं कराया है। मैं ये बताऊंगा कि किसे कौन सा मास्क लगाना है, ये भी इस वीडियो में हम आगे जानेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है, क्योंकि अभी लग रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहीं कहीं हो गया है, गवर्नमेंट ने भी कहीं हॉटस्पॉट देखकर वहां पर सील कर दिया है, तो जैसे दिल्ली में या कुछ स्टेट्स में गाइडलाइन आ गई है कि आप सभी को घर से बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आपको मास्क लगाना है। जी हाँ, ये आपकी केयर के लिए, पूरी कम्युनिटी और पूरे हमारे भारतवर्ष, पूरी दुनिया की केयर के लिए है, तो प्लीज इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। नेक्स्ट आता है कि घर में भी हमें मास्क लगाना है क्या? जी हाँ, सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्हें सिम्टम्स है, मान लिया अगर सर्दी खांसी जुकाम है अगर आपको, तो आपको घर पे मास्क लगाना चाहिए, ताकि घर पे जो बच्चे हैं आपके, अदर मतलब आपके साथ में जो रहते हैं भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या फिर जो माता पिता हैं, उनके बचाव के लिए आपको मास्क लगाना है अगर आपको खांसी या जुकाम है, तो इन लोगों को लगाना है मास्क। प्लस में अगर आपके घर में इनकेस कोई पॉजिटिव पेशेंट है या फिर जो सस्पेक्टेड केस है, जिसे क्वारंटाइन किया गया या आइसोलेट किया गया 14 डेज के लिए, बहुत ही कम लोग हैं ऐसे, बट अगर है उनके घर में जो उनकी डायरेक्ट केयर में है, तो उन्हें भी मास्क लगाना है। अब जानते हैं मार्केट में बहुत प्रकार के मास्क घूम रहे हैं। हम ऊपर से चालू करते हैं, जो सबसे बेस्ट मास्क है N95। जी हाँ, N95 आपने बहुत नाम सुना होगा, ये होता है FFP2, उसी के जैसा मिलता जुलता FFP1 होता है, जिसकी सेफ्टी की थोड़ी सी कम होती है, या एक N99 मास्क भी आता है, बट अभी हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन N95 मास्क है। जी हाँ, अभी इस टाइम पर मास्क की बहुत मारामारी है, सप्लाई बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो पा रही है, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रॉपर मास्क नहीं मिल पा रहे हैं, तो N95 सबको नहीं लगाना है, सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स या जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के, वो प्रॉपर PPE किट पहनते हैं, उन्हें ही लगाना है। कम्युनिटी में N95 मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड आता है, इसके फायदे और नुकसान के N95 के मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत टाइट सील होती है, पूरा पैक हो जाता है और हमें टेस्ट करना पड़ता है कि इसकी टाइट सील है या नहीं है, और ये 95% तक कहते हैं कि वायरस से बचा सकता है। जनरल केयर जो मास्क की है वो मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा। नेक्स्ट आता है जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क या मेडिकल मास्क होता है, वो भी हमें कम्युनिटी में लगाने की जरूरत नहीं है अगर हमें इन्फेक्शन नहीं है। जिन लोगों को इन्फेक्शन है वो सिर्फ उन्हें ही लगाना है, या हॉस्पिटल में जो डायरेक्ट पेशेंट के टच में नहीं है उस स्टाफ को सर्जिकल मास्क रिकमेंडेड है। ये भी दो टाइप का आता है, 3-ply, 2-layer, 3-layer, अलग अलग तरीके के मास्क आते हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाते, कन्फ्यूजन ज्यादा होगी। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए, सभी के लिए है, घर में बना हुआ कपड़े का मास्क। जी हाँ, WHO ने, ICMR ने, MOHF जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सब ने कहा है कि आप सभी जो नॉर्मल है, जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, जो कम्युनिटी में रहते हैं, उन्हें कपड़े का बना हुआ मास्क पहन सकते हैं। जी हाँ, अब आप कहोगे सर इससे बचाव तो नहीं है, तो ये फायदा कैसे करेगा? जी हाँ, ये भी फायदा करता है। जैसे पहला तो ये आपसे दूसरों को इन्फेक्शन नहीं करने देगा। मान लिया अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि 50-80% केस में पता ही नहीं होता कि आपको इन्फेक्शन हो गया, वो ठीक भी हो जाएगा क्योंकि एसिम्टोमेटिक होता है, तो उससे दूसरे लोगों को फैल सकता है, तो आपसे कम्युनिटी ट्रांसमिट नहीं होगा। और ये भी स्प्लैश, जो भी कुछ ड्रॉपलेट्स है, उसे काफी हद तक ये बचाता है, नॉट 100%, 70-80% तक ये बचा सकता है।
हो सकता है 60% हो, एग्जैक्ट परसेंटेज बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन काफी हद तक ये भी बचाता है। इसका फायदा क्या होता है कि हम इसे घर पे धो सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से होममेड मास्क के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा इस चैनल पे, आप उसमें पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसमें मैं कॉमन कॉमन बातें बताता हूँ। दो सेट रखें आप इस मास्क के, ताकि एक आपने धोने के लिए डाल दिया जो सूख रहा है इतने, दूसरा आपने लगा लिया जब आप घर से बाहर गए हैं। दूसरा, इसे शेयर नहीं करना है आपस में, ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ शेयर कर रहे हैं, भाई भाई शेयर कर रहे हैं, नहीं, ये मास्क किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तीसरी चीज, जो इसका बाहरी जो सरफेस है उसे टच नहीं करना है, या फिर उसे ऐसे आके बेड पे, सोफे पे, टेबल पे ऐसे नहीं रखना है, वो इन्फेक्शन फैल सकता है, उसे अलग से कहीं टांग दे। तो ये हमें जनरल केयर करनी है, बाकी डिटेल में आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, पूरी डिटेल वीडियो है इसके लिए, मास्क के लिए। तो ये कॉमन कॉमन मास्क है जो हमें पता होना चाहिए कि किसे लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्योंकि अभी इस समय हमें रिसोर्सेज भी बचाने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें अवेलेबल है, हम खरीद सकते हैं और हमने बहुत सारे मास्क खरीद लिए हैं, लेकिन जिसे जेन्युइनली जरूरत थी वहां नहीं मिल रहा है, तो भी ये इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा। ओवरऑल हमें सबको साथ में बचा के चलना है, तभी ये बीमारी खत्म होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज मस्ट को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जानने के लिए अपनी हेल्थ के बारे में सबसे पहले।